हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आपको मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं IAS नितीश्वर कुमार, IAS मनोज कुमार, IAS राहुल सचदेवा या फिर IAS अनमोल त्यागी। राइट आंसर यहां पर है IAS नितीश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल जिला घोषित किया है? चार ऑप्शंस हैं, पहला विरुधुनगर, दूसरा करूर, तीसरा कांचीपुरम या फिर चौथा कृष्णगिरी। राइट आंसर है यहां पर विरुधुनगर। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द होल्डिंग ऑफ अ नवल एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न जियो सेंट्रल सी। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौ सैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, पहला बांग्लादेश, फिर रशिया, नेपाल और पाकिस्तान। सही जवाब है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग्स। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं, पहला आंध्र प्रदेश का स्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा तेलंगाना का तथा मध्य प्रदेश, पांचवा झारखंड, लास्ट में क्या है त्रिपुरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस की उपलब्धता के हिसाब से यहां पर लगाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ विच कंट्री। पांचवें ब्रिक्स कल्चर मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? रूस, चीन, ब्राजील या फिर भारत। सही जवाब रशिया। प्रहलाद सिंह पटेल यूनियन मिनिस्टर वर्चुअली अटेंड्स फिफ्थ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। नेम द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू एंश्योर ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन पंजाब। हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब में पर्यावरण की रक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। राज्य हरियाली, स्टेट हरियाली, जी रखवाली, तीसरा हरित सिटी, चौथा आई रखवाली। सही जवाब है आई रखवाली। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर्स। नीचे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेटेस्ट ऐप कौन कौन से हैं और किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। हरित पथ ऐप, NHAI एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सुपर ऐप है टाटा डिजिटल, माई IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और लास्ट है यहाँ पर ऐप DGNCC डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अ न्यू पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय। एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तीसरा है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, चौथा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये एक प्रकार से कैंपस स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ऐप है और इसमें एक तरीके से प्रेरणा दी गई है उन स्टूडेंट्स को कि वो पर्यावरण के समीप रहें और ग्रीन चीज़ों को अडॉप्ट करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर फॉर SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट एम्बेसडर बन गया है। क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, विराट कोहली या फिर AB डिविलियर्स। सही जवाब है ड्वेन ब्रावो। हियर इज द पिक्चर, हैट लगाए हुए देख सकते हैं आप। नेम द फ्री मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद विच विल एक्ट एज एन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर द टीचर्स स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विकसित मुफ्त मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंग्लिश सक्सेस, इंग्लिश क्योर, इंग्लिश प्रो या फिर इंग्लिश साथी। सही जवाब है इंग्लिश प्रो। सर्व शब्देन भासते, वर्ड्स इल्यूमिन द वर्ल्ड, ये एक तरीके से टैगलाइन दी गई है इसकी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।